रेनबो के अंदर गोल्डन टॉप क्या होता है, ये मैं पूछूंगा कि गोल्डन टॉप जो है वो जरूरी नहीं है कि रेनबो में हो, वैसे भी हो सकता है कि शायद मिल जाए, ये बकरी मैं में भी हो सकता है। हाँ किसी दूसरे बर्ड किसी दूसरी म्यूटेशन में भी हो सकता है। तो ये गोल्डन टॉप क्या होता है, मैंने अक्सर आपके मुंह से सुना है। अच्छा, आप लोगों ने मेरे मुंह से गोल्डन टॉप का जो वर्ड सुना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये समझना होगा, इसके लिए एक दफा आपने पहले भी जिक्र किया था कि रेनबो जो है वो येलो फेस होता है। सही है। अच्छा, येलो फेस फीके कलर का येलो फेस भी रेनबो है। सही है, सही। फीके कलर को थोड़ा सा, अच्छा फीका कलर अगर यहाँ तक आ रहा है कमर पे तो वो सिंगल फैक्टर येलो फेस टाइप वन होता है, और अगर सिर्फ इतने चेहरे पे आ रहा है तो वो टाइप टू हो गया, यानी डबल फैक्टर येलो फेस हो गया। अच्छा, एक बार ना दोबारा जरा बता दे, मैंने मतलब मेरा ध्यान नहीं है। देखिए गाइस, अगर यहाँ कमर तक का येलो फेस है ना, भले फीका है, वो येलो फेस टाइप वन होता है, यानी कि येलो फेस टाइप वन का मतलब है सिंगल फैक्टर येलो फेस होता है। ठीक है, और अगर उसका सिर्फ इतना चेहरा येलो फेस है तो वो डबल फैक्टर येलो फेस होता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह जब येलो फेस डार्क हो जाता है थोड़ा, यानी थोड़ा सा डार्क का मतलब है कि वो गोल्डन फेस बन जाता है। सही। और गोल्डन फेस यहां तक का होता है, यानी यहां से लेके यहां तक कमर तक, ऐसा गोल्डन फेस कहलाता है सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस। ठीक है, ठीक है। जो लोग यहाँ कमर तक के गोल्डन फेस को कहते हैं ना कि ये ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा, वो बुरा है। अच्छा, उसको क्वालिटी के खिलाफ, क्वालिटी थोड़ी कम है। अच्छा, और जिसका सिर्फ इतना चेहरा गोल्डन फेस होगा डार्क, वो डबल फैक्टर गोल्डन फेस होता है। ठीक है, ठीक है। ये मैं अडल्ट बर्ड्स की बात करूं तो इसमें गोल्डन टॉप। अच्छा, यहां तक आपको क्लियर हो गई बात। हाँ। जो रेनबो फैमिली में अब तक फेमस है वो गोल्ड डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, यानी इतना फेस गोल्डन और डार्क गोल्डन हो। ठीक है, सही। अच्छा, डार्क गोल्डन में अब एक और ऊपर की क्वालिटी आ गई है, वो है गोल्डन टॉप। गोल्डन टॉप। अच्छा, दो बर्ड्स अगर मैं गोल्डन फेस और गोल्डन टॉप रख दूं तो शायद ज्यादा फर्क ना हो, लेकिन गोल्डन टॉप और डार्क होगा। सही, बहुत ज्यादा डार्क होगा गोल्डन में, लेकिन देखने वाला बोलेगा यार ये दोनों सेम है। अब आप बोलेंगे यार कि फिर आप कैसे पता लगाओगे कि गोल्डन टॉप कैसा है? सही, नहीं पता लग सकता। अच्छा, कुछ कुछ गोल्डन डबल फैक्टर गोल्डन फेस इतने डार्क होते हैं कि वो गोल्डन टॉप से के सामने रखोगे वो आपको लगेगा सेम है। तो गोल्डन टॉप किस तरह पता चलता है, क्या पहचान है गोल्डन टॉप की? यही राज है जो कि अभी तक मैंने नहीं खोला। अच्छा, देखो रेनबो के अंदर ना, मैं इसलिए कहता हूँ बार बार के रेनबो कॉम्प्लेक्स बर्ड है। क्यों कहता हूँ? आप ब्लैक विंग जो है ना, ब्लैक विंग बहुत ज्यादा है। ब्लैक, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा है। आपने ब्लैक विंग लगाया, हाँ ठीक है, ये ब्लैक विंग लगाया, ये भी ब्लैक विंग लगाया, बच्चा आ गया उसके ब्लैक विंग आ गए, नजर आ जाएंगे ब्लैक विंग है। सही। आएंगे ना नजर, सही, आपको पता चल जाएगा ब्लैक विंग आ गया। आपने ब्लैक फेस लगाया, ब्लैक विंग लगाया, बच्चा है, आपको पता चल गया ब्लैक विंग है, ब्लैक फेस है या स्प्लिट है, पता चल गया। सही, बहुत आसान है। या ब्लैक फेस ब्लैक विंग के साथ लगाया, आपको पता जो आया वो स्प्लिट है, फिर उसको आगे लगाएंगे तो कॉम्बो बन जाएगा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही आसान सा गेम होता है। या अल्बाइनो में आपको पता है क्रिमिनो बनाना है, आपने जो है वो अल्बाइनो लगाया, पार ब्लू लगाया, जो बच्चा आएगा वो स्प्लिट होगा, उसको दोबारा रेड आई से लगाओ तो वो क्रिमिनो या डेगिनो निकाल देगा, ऐसे ही ना फॉर्मूला ऐसे चलता है। बट अभी जो बात हो रही है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। जब रेनबो येलो फेस हो या गोल्डन फेस हो, दोनों सही, जब बच्चा निकालते हैं ना बच्चा, तो बच्चा बच्चे का जो फेस होता है ना वो इतना डार्क कलर का नहीं होता, सही, यानी बिल्कुल लाइट सा कलर का होता है, फीके कलर का। अच्छा, मतलब दोबारा उसको हम जब लगाते हैं गोल्डन, मिसाल के तौर पे आपने डबल फैक्टर गोल्डन फेस लगाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। हालांकि दोनों माँ बाप बहुत डार्क गोल्डन फेस है, डबल हाँ। फैक्टर गोल्डन फेस है, ठीक है, सही, लेकिन उनका जो बच्चा है ना, सही है, वो फीके फीके मुंह का है। अच्छा, आपको पता ही नहीं चलेगा मुंह, यानी आप किसी को बेचोगे ना वो बोलेगा यार ये मुझे डार्क मुंह चाहिए, डबल फैक्टर गोल्डन फेस चाहिए। आप बोलोगे भाई इसके माँ बाप डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, ये इनका बेटा है, वो बोलेगा नहीं तुम झूठ बोल लो। अच्छा, क्योंकि उसको रेनबो की नॉलेज दी है, वो समझेगा वाकई झूठ बोल रहा है। जिसको रेनबो की नॉलेज होगी वो ले लेगा आंखें बंद करके। अच्छा, वो क्यों लेगा आंखें बंद करके पता है आपको? रेनबो के अंदर गाइस एक प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी खूबसूरती दिखाता है दो मोल्ड करने के बाद। मोल्ड क्या होता है? मोल्ड का मतलब होता है पट्टा बड़ा होगा, चार महीने का, छह महीने का, वो पड़ झाड़ेगा, फिर पड़ आएंगे, फिर पड़ झाड़ेगा, फिर पड़ आएंगे। अब जो पर आएंगे ना उस वक्त उसका ये जो चेहरा है फिर डार्क गोल्डन होगा, ये मुसीबत है। सही, सही।
यानी कि वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत है इसके अंदर, इसके अंदर वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत है, और धोखा इसलिए लोग कर देंगे क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा जब वो दो मोल्ड करेगा तो आप बोलोगे भाई यार इसका तो मुंह डार्क हो गया, बच्चा तो डार्क ही नहीं था। मैं आपको कई ऐसी पिक्चर दिखा दूंगा कि ये बच्चा है, ये मतलब बड़ा हो गया, ये बन गया, आप बोलोगे है ये बच्चा है, वो बच्चा अलग ही कलर का हो जाता है क्योंकि वो डबल फैक्टर गोल्डन फेज डबल फैक्टर वॉयलेट से निकला हुआ होता है। लेकिन जो वो बच्चा होता है जब वो मोल्ड करता है फिर वो बताता है वो मैं अपने माँ बाप जैसा हूँ। अब यहाँ बात समझने की क्या है कि जो रेनबो के अंदर लोग बच्चा लेने आते हैं ना वो बोलते हैं नहीं ये माँ बाप के जैसा इसका गोल्डन फेस नहीं, कैसे माँ बाप के जैसा होगा लेकिन मोल्ड करने के बाद होगा, एक तो ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा अभी जो मैंने बात बताई है ना उसमें बाद में एक जवाब छुपा हुआ है आपके सवाल का, आपका सवाल था गोल्डन टॉप कैसे पता चलेगा। सही है ना। अच्छा अब गोल्डन टॉप पता चलने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज। अच्छा अपनी वाली वीडियो मत चलाइएगा। नहीं मैं वीडियो नहीं चला रहा, तस्वीर दिखा दीजिएगा। तस्वीर दिखाऊंगा जी। हाँ। बिल्कुल मैंने आपकी बात वेल नोटेड है। देखिए गाइस ये मेरे पास अभी बच्चा निकला क्लियर विंग का, मुझे भी दिखाएं जरा, मुझे भी दिखा दे अगर दिख रहा हो आप लोगों को पता नहीं। अच्छा ये क्लियर विंग का बच्चा है ना। हाँ, गोल्डन ठीक है गोल्डन। अच्छा अब इसका जो गोल्डन फेस है ना वो अभी से गोल्डन है। हाँ बचपन से ही गोल्डन है तो ये गोल्डन टॉप है। ये गोल्डन टॉप है। हाँ ये उस बात का जवाब दे रहा हूँ गाइस कि अगर आपके पास मटकी में जो बच्चा निकला है उसका फेस गोल्डन हो गया सही तो वो गोल्डन टॉप है। ठीक है समझ आई बात। मतलब वो इतना गोल्डन है कि वो इतना गोल्डन है कि बचपन में ही पता चल गया कि वो गोल्डन है। अभी आप लोगों को यार इसमें कैमरे में नजर नहीं आता, नहीं नजर आ रहा, या तो मैं तुम्हें ना गोल्डननेस लो की हुई है, लाओ मैं दिखाऊं। नहीं आप दिखाओ। हाँ। आप दिखाओ गाइस ये देखें ये। हाँ नजर आ तो रहा है, आ रहा है उसमें ब्राइटनेस मैंने कम की। अच्छा या तो हाँ ये देखें गाइस ये गोल्डन है कलर। ठीक है ये पूरा इसका फेस ये देख लें हेड से लेके ये यहाँ से फेस पूरा गोल्डन है बचपन में ही मटकी में है। अभी ये मटकी में है, फोटो के लिए बाहर निकाला है। हाँ। तो जो नॉर्मल गोल्डन फेस होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, उनके चेहरे पे ये नहीं होता, ये गोल्डन नहीं कलर होगा। यानी डबल फैक्टर गोल्डन फेस का जो बच्चा होगा ना उसका फीका कलर होगा, उसका फीका कलर होगा, नजर भी नहीं आएगा। और बड़ा होगा जब वो मोल्ड करेगा तब ऐसा बनेगा, तब ऐसा बनेगा। बट जब ये बचपन में ही ऐसा है तो ये बड़ा होने के बाद मोल्ड करके ये डबल मतलब ये और ज्यादा गोल्डन टॉप है। हाँ तो गोल्डन टॉप बच्चे की निशानी ये है कि वो मटकी में ही गोल्डन फेस होता है, मटकी के पैदा होते ही वो पैदा होते ही गोल्डन फेस होता है। अब जितने भी बर्ड्स तुम्हारे पास थे ना उनमें कोई भी गोल्डन टॉप नहीं था, नहीं था क्योंकि जितने भी बट्टे निकलते थे ना वो बड़े फीके मुंह के होते थे। हाँ, वो फीके मुंह के बच्चे ऐसे ही जितने भी आपके बच्चे निकलते थे वो गोल्डन फीके मुंह के निकलते थे क्यों, क्योंकि वो गोल्डन टॉप नहीं था। गाइस देखिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ रेनबो एक कॉम्प्लेक्स बर्ड है। अब आपको पता चला कि मैं क्यों कहता हूँ ऐसा। अब तुम्हारे पास कितने अच्छी क्वालिटी के बर्ड थे बट क्या तुम्हारे पास गोल्डन टॉप था? गोल्डन टॉप मेरे पास है। अच्छा अब जिसको इस बात की नॉलेज ही नहीं है वो अपने पास ब्लड लाइन कैसे बनाएगा? सही बात है कि मुझे अपने पास गोल्डन टॉप बच्चे जनरेट करवाने, कितना मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल है। यानी आपसे आपके पास जो रेनबो थे वो गोल्डन टॉप तो दूर की बात, वो सिंगल फैक्टर है डबल फैक्टर गोल्डन फेस वर्किंग की जाती है। अब उन पे वर्किंग होगी। अब जैसे ये बच्चा मेरे पास गोल्डन टॉप निकल आया, अब अगर मैं इस बच्चे को तुम्हारे वाले बर्ड से लगा दूं तो जाहिर है वो और वो भी वो वाले से जो डबल फैक्टर गोल्डन फेस हो तो जाहिर है कुछ बच्चे गोल्डन टॉप आएंगे कुछ बच्चे डबल फैक्टर गोल्डन फेस आएंगे। जो गोल्डन टॉप आएंगे उनको मैं रोक के अपने पास गोल्डन टॉप की लाइन बनाऊंगा। सही। और जितने भी गोल्डन टॉप होंगे फिर वो गोल्डन टॉप देंगे, यानी कि मटकी में बच्चा पैदा होगा उसके गोल्डन फेस होगा। सही। ये नॉलेज कोई नहीं देगा। नहीं सही बात है, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ सुन के। ये ऐसा ऐसी बात है जो किसी को बताते ही नहीं, लोग बताते भी नहीं है, ये पता ही नहीं है, ये कोई बताता भी नहीं है। अगर पता चल भी जाए ना किसी को तो बताता भी नहीं है। भाई आप देख रहे हैं बंदे की मेहनत देख रहे हैं आप, और आपको इस बंदे ने समझे अपनी मेहनत ना फ्री में दे दी, जबकि इस बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है चीजों को मतलब के करने के लिए। ये बच्चा जो आया है गोल्डन टॉप, अब ये क्लियर विंग है देखने में, सादा क्लियर विंग 1500 नोटिस भी नहीं करते, 1500 वाला क्लियर विंग है ना। मैं इसको 5000 से कम नहीं दो क्यों वो भाई, ये गोल्डन टॉप है ही नहीं किसी के पास। लाओ मुझे रेनबो के ब्रीडर अपनी मटकी में गोल्डन टॉप दिखा दे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ यार। ये बहुत बड़ी जबरदस्त चीज आपने, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल पे, चैलेंज कर रहा हूँ कोई है। अच्छा, कोई है तो आ जाए पॉजिटिवली, आ जाए पॉजिटिवली, हम कुछ हम हॉबी प्रमोट कर रहे हैं। हाँ 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 बेसिकली अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, उसको भी पता चलेगा कि ये गोल्डन टॉप का, वो हमसे राब्ता कर ले, हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। हाँ
बल्कि अगर आपके पास है तो भाई मैं आपसे परचेज करूंगा, मुझे गोल्डन टॉप बच्चे जनरेट करने। सही, मेरे पास चंद पेयर है, मैं उनकी ब्लड लाइन बना रहा हूँ। वो जो आप लोग कहते हो ना कि यार दूसरा बंदा तो पेयर दे रहा है सस्ते में, आप इतने महंगे दे रहे हो। भाई मैं महंगे इसलिए दे रहा हूँ, उसको पता ही नहीं है कि हाँ। क्या चीज है क्वालिटी या गोल्डन टॉप कैसे बन रहा है। मैंने अपनी ब्लड लाइन में गोल्डन टॉप ऐड करा है तो मेरा रेम्बो और उसके रेम्बो में फर्क हो गया ना यार। सही, मैं आपको उस रेट में दूंगा क्यों? सही बात, मेरा बच्चा गोल्डन टॉप आ रहा है यार। हाँ हाँ सही बात, आपका उसका बच्चा नहीं आएगा कभी भी, उसका तो डबल फैक्टर गोल्डन फेस नहीं है। सही, तो ये होता है फर्क। 10 मिनट हो गए।